महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। तो महान आत्मा का लक्षण क्या है? प्रलयस्यापि हुंकारैः चला चल विचालनैः विक्षोभं नैव यस्यान्त समहात्मेति कथ्यते। उसको महात्मा कहते हैं, स महात्मा इति कथ्यते। किसको महात्मा कहते हैं? प्रलयस्यापि हुंकारैः। प्रलय की हुंकार क्यों ना हो रही हो? महाप्रलय के समय समुद्रों में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, समुद्र अपनी सीमाएं अतिक्रमण करके सब जलमग्न होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है, चराचर प्राणी सब समाप्त होते चले जाते हैं। तो उस प्रलय की हुंकार क्यों ना हो रही हो? सब संसार चलाचल हो रहा है, पर उस भीषणतम स्थिति में भी विक्षोभ नैव यस्यान्तः, जिसके अंतःकरण में उस हालत में भी कोई क्षोभ पैदा ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई भय उत्पन्न ना हो, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए महात्मा जंगल में रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू तमाम डोलते रहते हैं, तब भी उनको मरने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जिसके भीतर सबके प्रति प्रेम होता है, सब में परमात्मा का भाव जिसके हृदय में भरा होता है, उसके संपर्क में आने पर हिंसक जीव भी हिंसा का त्याग कर देते हैं। सबके भीतर परमात्मा की यदि दृष्टि हो, सबके भीतर आप भगवान को देख रहे हो, तो ऐसे भावपूर्ण दृष्टि से देखने वाले संत के पास हिंसक शेर व्याघ्र आदि भी हिंसा को त्याग देते हैं, वो प्रेम करने लग जाते हैं। श्री पीपाजी महाराज, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है। एक गांव के किनारे जंगल में शेर आ गया, कई मनुष्यों को खा गया, नरभक्षी, तो उसका आतंक चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसी गांव में भिक्षा लेकर के पीपाजी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे, तो गांव वालों ने रोका, हे बाबा मरने जा रहे है क्या? कईयों को खा चुका है शेर, वहां घूम रहा है, इधर मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, भैया जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं माने, चले गए। और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, दहाड़ मारता शेर सामने आके खड़ा हो गया। गांव वाले दूर से देख रहे थे, अब ये बाबा गया। परंतु जैसे सिंह गर्जना करता पीपाजी महाराज के सन्मुख आया, पीपाजी महाराज मुस्कुरा करके देखने लगे, बिना डर भयभीत के हुए, और उसको प्यार से समझाने लगे, हे भैया तुझे पशु योनि प्राप्त हुई है, न जाने किस पाप के कारण तू पशु बना है, अब फिर पाप करेगा तो न जाने फिर किस पतित योनि में जाएगा, इसलिए अब तो पाप करना बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को समझा रहे हो, इतने प्यार से उस शेर को समझाने लगे। उनकी दिव्य भावना का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि वह शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके चरणों में आके बैठ गया, और तुरंत पीपाजी महाराज ने रामानंदी तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी, और कान पकड़ के शेर के कान में ही मंत्र फूंक दिया। बोले, आज से तू वैष्णव बन गया, भगवान का भक्त बन गया, अब गड़बड़ न करना, जाओ भजन करो। और शेर प्रणाम करके चला गया। ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा, सब अवाक रह गए, चमत्कार हो गया, ये शेर तो कितना खतरनाक था, कितने मनुष्यों को खा चुका था, और बाबा जी के सामने चेला बन गया उनका, ये चमत्कार। तो जिन भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसके पास आकर के हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाते हैं। और इसलिए महात्मा सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी से बैर विरोध नहीं करते। तो ऐसे महात्माओं को खोजो जो अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, ये तीन बहुत दुर्लभ है।